प्रदर्शन कर रहे हैं छात्रों की जो डिमांड है उसके पीछे और क्या क्या तर्क हैं जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक छात्र हमारे साथ हैं, प्रभात जी क्या दिक्कतें हैं? सर दिक्कतें ये हैं कि यदि छात्र कम संख्या में जाए तो ज्ञापन तक नहीं लेते हैं। सर मैं 2022 के मेंस की बात बता रहा हूँ, हम लोग आए थे क्योंकि मेंस का रिजल्ट डिले जारी हुआ था, तो हम लोगों ने एक ही मांग रखी कि सर इसे एक हफ्ते टाल दिया जाए, और वहाँ पर जो हम लोगों के साथ अपमानपूर्वक व्यवहार किया गया, अपमान व्यवहार, कोई ज्ञापन तक लेने नहीं आया और उसी दिन शाम को एडमिट कार्ड निकाल दिया गया। सर 2016 का री एग्जाम हुआ और इसी आयोग ने बाट माप अधिकारी के 60 पद समाप्त कर दिए विज्ञप्ति निकालने के बाद री एग्जाम के दौरान। और सर ये संवादहीनता का ऐसा स्तर है कि आज तक इतने दिन हो गए, मैं 6 महीने दे चुका हूँ, अब तक मैंने आयोग के चेयरमैन का चेहरा तक नहीं देखा कि संजय सिंह श्रीनेत्र जी क्या है, देवता है कि आदमी है कि करते हैं, ढेर सारे पोस्टर यही सर गुमशुदा हम लोग देखे ही नहीं है कि संजय सिंह श्रीनेत्र जी हैं कौन, उनकी फोटो बस आयोग की वेबसाइट पे एक मुस्कुराते हुए मिलती है, उसके अलावा और कोई प्रमाण नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं देखा उनको, कोई नहीं देखा है सर उनको, कोई नहीं देखा है सर। और सर एक 10 साल का मेरा संघर्ष हो गया यहाँ पर, लेकिन जैसी स्थिति वर्तमान में खराब हो रही है वैसी स्थिति कभी भी नहीं रही। एक संवाद का स्तर था, पहले हम लोग ज्ञापन देने जाते थे, अंडर सेक्रेटरी स्तर के लोग आते थे, आज की स्थिति यह है कि आप ज्ञापन देने जाओ तो सहायक समीक्षा अधिकारी और एआरओ को भेजा जाता है, और वो भी हमारे बीच का व्यक्ति होता है, वो बोलता है कि भैया मैं ज्ञापन तो किसी तरह से लेने आ गया हूँ, लेकिन आप मान के चलिए कि आपकी कोई भी मांग न सुनी जाएगी न मानी जाएगी। आज जैसे देखा आपने सुबह में कि एक विकलांग छात्रा का ये बात आ चुकी है। सर बस हमारा एक ही कहना है सर कि जैसे मोदी जी लगातार ये कहते रहते अपने न्यूज़ में कि देश युवाओं का देश, युवा देश के भविष्य हैं, युवाओं को जब वोट देने की बात आती है वो बहुत प्रेरित करते हैं कि आप वोट देने आइए, वोट देने आइए, हर युवा को कहते हैं आप वोट दीजिए, देश का भविष्य है। जिस देश में हमारी आबादी 50 करोड़ युवाओं की है वहाँ 15-20 हज़ार युवा 4 दिन से धरना दे रहे बिना खाए पिए रोड पर आ रहे हैं, उनको पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको कैसे रोका जा सके। आज सुबह हमने अपनी आंखों से देखा सर कि बच्चों को यह कह के सिविल ड्रेस में पुलिस वाले उठा ले गए कि यह आतंकवादी हैं, यह धरना का आतंकवादी का है, इसने कहा सर यह लगातार कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है, इसमें ऐसे लोग आ रहे हैं जो धरना को बढ़ावा दे रहे हैं। सर लोग विद्यार्थी है, हमारे आई कार्ड चेक किए जाए, हम विद्यार्थी की कौन है, हमारे एडमिट कार्ड चेक किए जाए, अगर आप एडमिट कार्ड चेक करिए, आप बच्चे जितने बैठे हैं आप प्रशासन को परमिशन दीजिए, आप उन लोगों को दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग भाई आज आयोग की इन हरकतों के कारण आज हमके सड़कों पे आना पड़ रहा है, हमें पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। आयोग ना हमारी बात मानने को तैयार है ना बात सुनने को तैयार है, हम बस एक ही हमारी मांग है, वन सीट वन डे, लेकिन वो भी से आयोग मानने को तैयार नहीं। आखिर आयोग चाहता क्या है हमसे? आप 75 जिले में पेपर ना करवा कर 41 जिलों में क्यों कर रहे हैं भाई? आपके पास 75 जिले नहीं है, आपके पास सुरक्षा नहीं, आप सुरक्षा का डंका पूरे प्रदेश में बांटते हैं, क्यों ऐसा भाई? आप 34 जिले जिस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और चुनाव करवाता भी है तो वन डे वन सीट में एग्जाम कराने में क्या दिक्कत है? आयोग पूरी तरीके से फेल है, संवेदनहीन है, मेंस की कापियां लीक हो चुकी हैं, नॉर्मलाइजेशन पे कोई जवाब नहीं आया है, बच्चों को सुबह सुबह प्रवोक किया गया है ये समझ के कि बच्चे की संख्या कम है, इस समय बच्चों को हटाया जा सकता है। सर 2 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग करके हटाई गई है, एक हमारी बहन को जो दिव्यांग है उसके बैसाखी खींच के उसको हटाया गया, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ जवाब आके दे, जवाब देना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो आयोग से छात्र लगातार जवाब की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नो नॉर्मलाइजेशन उनका कहना है, एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम हो ये छात्रों की मांग है, और छात्रों कहना है कि ये जब तक नहीं होगा वो तब तक अपना धरना खत्म करने वाले नहीं है। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.